बना ले खाना सारा होगा। चक्के बनाया आज, खिचड़ी बनाई आज, रोटी बनाई दो चार, इतनी कम खाना आज। सब दावत में आज क्या की दावत है कढ़ी चावलों की दावत है आज। तो हमारे पड़ोस में ही आज दावत है, तुम्हें जाएंगे पूजा दावत में जाओ तुम्हें। मेरा पैसा गया, पूजा तो कहीं जाती भी नहीं, दावत में बहुत कम जाती है। पेट्रोल फुल करवा लिया है और तो चलते हैं अब लॉन्ग ड्राइव पर। और आज जा रहा हूँ बाहर, इसलिए बाइक भी धो रहा हूँ, घर भी धो लेता हूँ, और ज़्यादा गंदी हो जाती है तो बाहर धोवा लेता हूँ, क्योंकि बरसात हो रही थी तो इसमें ज़्यादा गंदी हो गई थी। समय ढाई बज चुके हैं तो मैं घर आ चुका हूँ। और पूजा देखिए पूजा कपड़ों की तय बना रही है, और मेरे कपड़े भी लगा दिए हैं आज। तो आज मैं कहीं जाना है, कहाँ पर जाना है वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो एक नया जोड़ा सिलवाया है, देखिए इसमें नया जोड़ा है, इसमें नया जोड़ा है मेरा, अभी सिलवाया पैंट शर्ट। तो कल इसका मुहूर्त हो जाएगा, आज तो जो है ये पहन के जाऊंगा, कौन सी शर्ट, ये वाली शर्ट और ये वाली जींस, ये वाली जींस। तो आज कहाँ जा रहा हूँ मैं, किसका, मौसी जी का जा रहा हूँ आज मैं, मम्मी से जो बड़ी में घर जा रहा हूँ, दूसरे नंबर की मौसी, तीसरे नंबर की मम्मी थी, तीसरा नंबर की मम्मी थी। अच्छा चला तू नहीं, क्यों के पास है, पापा के पास भी तो जरूरी है, घुमा ला मोदी नहीं। तो किस लिए जा रहा ना तो पता चला, किस लिए जा रहा मैं, दीदी को लेने जा रहा अपने, दीदी को लेने जा रहा, कौन से को, छोटे वाले को, छोटे वाले को। तो मैं मौसी जी की लड़की को लेने जा रहा हूँ उनके घर अमरोहा के पास, यहाँ से 130-140 किलोमीटर के आसपास है, वो तो मीटर रीडिंग में पता चल जाएगा, बाइक की रीडिंग में कितना किलोमीटर है। तो कपड़े पहन के चलता हूँ, बस रेडी हो चुके हैं चलने के लिए, बाल रह रहे हैं बस पानी में, ये बैग ले आया है, ये जोड़ा धरा है अपना, देखिए इधर नींद आ रही है, इससे सो रहा है और अंकित बाहर जा रहा है घूमने के लिए। और गंगू की तबियत जो है कल खराब हो गई थी, आज के चराम है, मुझे लगाता है आज इसने चारा भी खाया थोड़ा, तो देखिए मुँह से भी लाल से चुबा रही है इसके, कल 2-3 इंजेक्शन लगे इसको और दवाई चल रही है इसकी। अरे गंगा गठी आज, अब चलता हूँ मैं मुँसी जी घर। तो सफ़र मेरा 3-3.5-4 घंटे का होगा, मान के चलो 130 किलोमीटर है, तो 4 घंटे का सफ़र तो मान के चलो हो जाएगा टोटल, क्योंकि रास्ते में रुकना होता है और फिर बाइक चलानी पड़ती है तो थक तो जाते हैं, इसलिए रुक रुक के जाना पड़ता है, आराम करके जाना पड़ता है। चलता हूँ, ठीक है हो जा, नमस्ते के आ जाओ मुझसे जा। अच्छा और बोल दिया आने को, अच्छा मौसी जी को बोल दो आ जाइए, है ठीक है। और चल दिया हूँ अपने सफ़र की ओर, हे भोलेनाथ मेरा सफ़र मंगलमय करना। बाइक तो मैं धुआ के लिया था तो उसकी सफाई कर रहा हूँ, इस पर पॉलिश मारी है मैंने जिस तरीके चमकती रहे, अच्छी लगे। दोस्तों देखिए मैं बैराज पहुंच चुका हूं, रास्ते में आज कोई वीडियो नहीं बनाई, वो सीधे डायरेक्ट यहीं पर का वीडियो बनाई है। वो बैराज पहुंच चुका हूं, 65 किलोमीटर सफ़र किया मैंने, और उसके बाद यहीं आकर मैंने जो है रेस्ट किया, यहीं पर आकर
बाइक रोकी है, रास्ते में कहीं बाइक नहीं रोकी, 65 किलोमीटर का सफर ऐसे तय कर। बंदरों की बजी चुकी है लड़ाई यहाँ पर, ये देखिए बंदरों का झुंड, इनकी लड़ाई बजी यहाँ पे। और वे तीन लड़के चमक रहे हैं आपको, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से कूदे हैं और देखिए वहाँ पर जाकर निकले हैं, वे चढ़ रहे हैं पुल के ऊपर। नमानी गंगे हर हर गंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ मछलियाँ बार बार ऊपर आती हैं, ये देख सकते हैं जहाँ पर ये बुलबुले से उठ रहे हैं, यहाँ पर बार बार आती हैं, मुंह खोलती है अपना और दाना चुगती है। और इतना लंबा सफ़र आज बाइक पर पहली बार किया है अकेले ने, 130-140 किलोमीटर सफ़र है मेरा, तो 65 किलोमीटर तो मैं आ चुका हूँ, तो 65 किलोमीटर मुझे जाना है और आगे। ये कुछ मशीन है, हीरा मशीन, गेहूं काटने की मशीन है। और बैराज से निकलने के बाद, बिजनौर से निकलने के बाद तो यहाँ पर फंस गया हूँ मैं फाटक पर, यहाँ पर जाम लग चुका है और ट्रेन आने वाली है। और मैं पहुंच चुका हूँ नूरपुर और शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया हूँ, मोची अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बस। इसके माँ भी आ गई थी मेला में। ये ठेंगों की लड़की है, देखिए। तो मैं मोची के घर पहुंच चुका हूँ, मोची जी बैठी है वहाँ पर, अमित भाई और मीनाक्षी जी। और ये ठेंगो, ठेंगो लड़की क्या नाम है इसका, इसका सोफी, सोफी सोफी, इसका नाम सोफी है। और ठेंगो ने 2 बेबी को जन्म दिया था लेकिन एक उसी समय मर गई थी। और यहाँ पहुँचने में मुझे 4 घंटे लगे, 4 घंटे, और उसने बस 15-20 मिनट में रास्ते में रुका हूँ और सिर में दर्द हो गया आज चलते चलते, 4 घंटे का सफ़र, 130 किलोमीटर चल के आया हूँ मैं, चल के गया हूँ बाइक से आया हूँ। और मोशियर की बिल्ली ठेंगो ने मुझे पहचान लिया था और उसका बच्चा भी देखे मेरे साथ कैसे खेल रहा है, अच्छे ये सबके साथ खेलता है ऐसे ही। पकड़ लो, हाँ पकड़ लो बिल्ली का बच्चे, आजा आजा आए सोफी, तो ये हमारा भांजा है और मोहसिन जी छोटे वाली लड़की, मीनाक्षी से बड़ी बहन,
मगर लटकाया देखे कैसे बैठ गया। ये सारे कपड़े काट लगा भाई तेरे, ओए भाई सारे कपड़े काट लगाए तेरे। आले सोफी आजा, काट ले आजा सोफी आजा, जल्दी आजा और अब आजा हमारे घर बैठ जा, बैठ जा देखो बैठ जा। कैसे बैठ गया बुआ, तो बुआ के पास हूँ। अपनी बुआ को भी लगाया भाई, बुआ को साथ लेकर आएगा। हाँ बुआ साथ आई, उसे मेरी आखिरी कोई बुआ ही कह रहा है। मीनाक्षी को बुआ क्या है? हाँ मौसी को बुआ पता लगा। और मौसी का ताई ना? अच्छा आजा आगे 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 आगे